गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। एंड वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरा है कंपटीशन वेट लिफ्टिंग का, तो फिर अभी मैं थोड़ी देर में निकलूँगा घर से। और ये रही मम्मी, मम्मी भी मेरे को कुछ नाश्ते में दे देंगी। और मम्मी के उंगली पे चोट लग रखी है, दिखाना मम्मी। ये देखो कैसे इसमें रात भर की पाक गई है उंगली अब। और माँ और सिया भी सो रहे हैं और पापा जा चुके हैं अभी घूमने के लिए। ये रही माँ और सिया पिंडी। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकला हूँ भाई अपने वहाँ पे कंपटीशन के लिए, और आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कंपटीशन का भी कैसे क्या रहेगा। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं अभी घर से निकल चुका हूँ माँ और मम्मी का आशीर्वाद लेकर, माँ और मम्मी का आशीर्वाद लेकर निकल रहा हूँ। तो अभी चलते हैं साइकिल पे घर और प्रैक्टिस। अभी पहुँच चुके हैं हम खोल के बाहर जहाँ मेरा कॉम्पिटिशन होगा, वहीं मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और ये बैठे ध्रुव और मयंक, ये भी करेंगे ही सोच रहे हैं आज, और देखते हैं इनका भी होगा कि नहीं। आज के दिन का कल था बट ये आज करके देखेंगे। अभी थोड़ी देर में अंदर जाऊंगा। चलो भाई नाम पूरा डबल स्कूल का नाम बोलिए सर। हैप्पी होम स्कूल। चलो भाई ठीक है। मैं भी अंदर बैठा था और रेस्ट कर रहा था, तो स्प्राउट्स वगैरह खा लिए, भूख लग रही थी। और ये अपना रोटी सब्जी खा रहा है, बाहर चालू हो चुका था रोज। अभी सब कुछ स्टार्ट आएगा। तो गाइस अभी यहाँ पे सारे खड़े हैं लिफ्टर्स जो भी अभी खेल रहे वेट कैटेगरी में। मेरे साथ होंगे कुछ और कुछ अलग होंगे, मतलब ज़्यादातर मेरे वाले में भी होंगे और इस दूसरे में भी होंगे। तो भाई अभी यहाँ पे सब कुछ मस्त हो रहा है, यहाँ पे भी कोच वगैरह बैठे हैं सरिता से और साथ में प्रदीप पासुर सर और नरेंद्र कौर मैडम, और साथ में रहेंगे सभी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बेटा जो आगे आ जाओ, मैं आगे बैठ जाओ आराम से। तो गाइस अभी मेरे सर मेरे को वार्म अप कराने लग गए थे। ये बैठे मेरे सर चेयर पर, अभी मैंने अपने हाथ वगैरह मतलब पूरे अच्छी तरह से स्ट्रेच वगैरह कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था जो नॉर्मल होती है। और कुछ बच्चे आगे वार्म अप भी ले रहे हैं, और थोड़ी देर में मतलब कुछ लिफ्ट के बाद मेरा आएगा। तो ये बैठे भाई सर, और अभी मैंने रोड से वार्म अप स्टार्ट कर दिया अपना। रोड से अपने भी जो नॉर्मल सी मतलब होती है ना हमारे वार्म अप में रेगुलर करते हैं, वो ही आज कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं कर रहा, और सर बताने लग रहे हैं कितने क्या रेपिटेशंस वगैरह लेने हैं। अच्छी तरह से वार्म अप हो रहा है। अभी देखो भाई आज कैसा क्या रहेगा, अभी आपको आगे पता चलेगा आगे का। तो ध्रुव पीछे भी बैठा है मेरे साथ में, आ रखा है ध्रुव इसलिए, तो वो मेरे साथ ही था पूरे टाइम ध्रुव भी, और वर्ल्ड का भी पूरे टाइम साथ ही था, उसका नाम मयंक। हाँ मयंक पूरे टाइम साथ था मेरे। तो भाई अपना वार्म अप करते हैं और सीधा मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मैंने थोड़े वेट से ना वार्म अप लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा नाम थोड़ी देर में अनाउंस हो ही जाता, क्योंकि मैंने 55 केजी की अपनी अटेम्प्ट ली है फर्स्ट। तो फिर अपना वार्म अप स्टार्ट कर।
तो गाइस अब मेरी बारी आ चुकी है और जिसमें मैं फाइनली लिफ्ट अपनी मारूंगा अभी। और अभी सर मेरे को अच्छी तरह समझाने लग रहे हैं कैसे क्या, मतलब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मेरे को अच्छी तरह से। और अब जाते हैं भाई अपने टी शर्ट टक करके। तो गाइस अभी मेरा अटैम्प्ट है 55 kg स्नैच, जो कि अभी मैं पास कर दूंगा अच्छी तरह से, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। बढ़िया गुड लिफ्ट हो चुकी है मेरी ये वाली। और अब मैं इस लिफ्ट के बाद करूंगा दूसरी वाली अपनी सेकंड अटैम्प्ट के लिए तैयारी। अपने वार्म अप तो मेरे पर पहले ही हो चुका था, पर अपने बैठ के भी पानी वानी पियेंगे और फिर निकलूंगा 62 के लिए। तो 62 स्नैच देखो और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको। ये आ चुके हैं अभी स्टेज के ऊपर, तो बताना भाई। चाल 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 चाल, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये है मेरा लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट, जो कि 67 kg। और ये आज तक मैंने अपने प्रैक्टिस में नहीं करा था, बट मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको। और ये मेरे पास होल्ड हो के नीचे गिर चुकी है। तो अभी मेरा क्लींजर का वार्म अप स्टार्ट हो चुका है भाई। मैंने अभी 60 kg पे वार्म लिया अपना, पहले मैंने नीचे से करा था। तो अभी सर बता रहे अच्छी तरह से कैसे क्या करना है, तो अब मैं करते भाई और फिर चलते सीधा स्टेज पे। तो गाइस ये है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लीन जर्क, जो कि है 65 kg। और मैं भी इसको अच्छी तरह से पास कर दूंगा, ये मेरे को पूरा यकीन है। और आप अभी देख लो, अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना। जोश में तो गाइस ये है मेरा 71 kg का सेकंड अटेम्प्ट, जो कि क्लीन जर्क का ही। और इसमें मैं अच्छी तरह से उठ गया हूँ। और आप देखो थर्ड अटेम्प्ट भी आएगा। लो भाई ये भी पास कर दिया मैंने अच्छी तरह से। और ये है मेरी गुड लिफ्ट, तो भी आगे मिलते हैं। चलो साथ ही साथ 75 भी मेरा आ चुका है। ये रहा 75 kg मेरी लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट ऑफ क्लीन जर्क। ये मैंने क्लीन रिसीव कर लिया यहाँ पे। और आगे का आप अपने आप देखिए। अच्छे से पुश कर। चला बढ़िया। तो गाइस अभी मेरे कोच मारने जा रहे हैं अभी लिफ्ट बिना वार्म अप के। पावर बहुत बढ़िया। गाइस अभी घर आ चुका हूँ और मेरा कंपटीशन कंप्लीट हो चुका है और टाइम हो चुका है 2। घर आने के बाद मैंने सीधा नहा लिया था और मम्मी ने भी मेरे लिए दाल बना दी भाई। और रोटी दिखा रहा था, दाल ये रही, रोटी वो रही और ये री माँ। तो गाइस मैं भी पापा के साथ जा रहा हूँ एवर चावल कट्टा लेने के लिए। पापा ने गाड़ी मोड़ लिया और ये चाचा का घर इतना बन चुका है, मतलब ऊपर थोड़ा सा और करवा लिया। तो चलते हैं गाइस। अभी मेरा खाना आ चुका है और अपना खाना खाऊंगा। कढ़ी चावल बना रखा है जो मैंने, पापा ने खा लिया, टीवी देख रहे हैं। तो अपने खाना खाने के बाद मिलते हैं सीधा। गाइस अभी मैं ट्यूशन से घर आ चुका हूँ और भी है ना मेरे को एक बात पता चली है कि जो मेरा रिजल्ट है ना, आज मेरे को कॉम्पिटिशन था उसका रिजल्ट मिलेगा कल। मेरे को जो उम्मीद है वो मैं भी बता नहीं रहा, मतलब भाई भी कंफर्म नहीं है ना कैसा क्या होगा, पर मेरे को जो उम्मीद है वो तो अच्छी है। पर कल पता लगेगा कैसे क्या भाई क्या रहेगा, कौन से क्या मतलब पोजीशन आएगी मेरी। तो फिर अगले ब्लॉग में देखना, आप भूलना मत देखना। तो मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यू पी एंड एंड आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना। सो गुड नाइट एंड बाय।